हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं हूं आपका दोस्त एक्स अंसारी। तो भाई बकरीद को गुजरे हुए हो गए 6 दिन, छठा दिन है जुम्मे का दिन है, तो वाले दिन की थी बकरीद। तो मैं आज जो मौजूद हूं, मैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद बकरा मंडी आपको दिखाने लेकर आया हूं। मंडी दिखाने का खास मकसद ये है कि मंडी के अंदर आपको ये दिखाएंगे कि क्या हाल होता है बकरा मंडियों का बकरीद के बाद। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने हमारी जो वीडियो को सपोर्ट करा है प्लीज़ आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और तो दिखाता हूँ आपको बकरा मंडी जो इस टाइम बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, और एक हफ्ते पहले क्या वहाँ पर माशाल्लाह वहाँ बाहर आई हुई थी बकरों की रौनक थी। 24 घंटे के हिसाब से बकरे चल रहे थे, बकरे बिक रहे थे, बकरे जो है वो खरीदे जा रहे थे। मैं दिखाता हूँ आपको मंडी का हाल। भाई ये है उर्दू बाज़ार का वो पार्क जहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर छोटे छोटे बकरों के खेमे लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस टाइम पूरा चटियल मैदान बना हुआ है, सफाई का काम चल रहा है प्रशासन की तरफ से। पीछे देख सकते हैं आप कूड़ों का ढेर वगैरह लगा हुआ है, और कुछ मैं उसके निशाना दिखाता हूँ खेमों के, आप लोग ये देख सकते हैं। ये बीच में खूंटे गड़े हुए हैं जिसके ऊपर पूरे पूरे खेमों के जो टेंट वगैरह लगाए जा रहे थे वो पूरा सेटअप इसी तरह हो रहा था। जगह जगह फूटे गड़े हुए हैं। बहरहाल एक हफ्ते पहले यहाँ पे एक बाहर आई हुई थी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में माशाल्लाह बकरा जो था वो फैला हुआ था। लोग ख़रीदारी कर रहे थे, खुशी खुशी यहाँ पे आ रहे थे दिन हो या रात अपने बकरों को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए। यहाँ पे पूरा दिल्ली वाले और दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे थे। फिलहाल ये चटियल मैदान पड़ा हुआ है, कोई दूर से कोई नहीं दिख रहा, बस यहीं के जो मकामी लोग हैं वो कोई बच्चे खेल रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा मैदान। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हिस्सा दूसरे मैदान का जहाँ पे शायद आपको याद हो जब बारिश हुई थी पिछले हफ्ते के अंदर और बकरा मंडी के एकदम रेट बढ़े हुए थे। मैंने आपको ये वाला हिस्सा दिखाया था, यहाँ पे किस तरह तालाब सा बना हुआ था। तकरीबन कोई सड़क से कोई ये 2 फुट नीचे जगह है, 1 से 1.5 से 2 फुट के आसपास जगह है। यहाँ पर सारा पानी भरा हुआ था, और बीच में एक जो जगह मैंने आपको दिखाई थी एक आइलैंड सा बना हुआ था, बकरे उसके ऊपर खड़े हुए थे। ये सारा तमाम हिस्सा वही है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ एक दूसरी जगह में, दिखाता हूँ कुछ और जगह आपको, शायद आप लोगों के थोड़े से रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए आप लोगों को। और ये जो हिस्सा है जहाँ पे भाई बैठे हुए टी शर्ट्स बैठे हैं, आपको शायद याद हो कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर एक चाचा बैठे हुए यहाँ पे बकरे बेच रहे थे जो 25,000 की जोड़ी बताई थी उन्होंने, और फिर आज में आखिर के अंदर वो ये कहने लगे कि भाई 22 की मैं दे दूँगा। छोटे छोटे से बच्चे थे, 11,000 रुपये नक के हिसाब से वो दे रहे थे। और अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, अब क्योंकि ये 12 महीने के हिसाब से यहाँ दूसरी मार्केट लगती है, ये वो हिस्सा है जहाँ पे इन्होंने भाई ने चश्मे लगा रखे हैं। यहाँ पे शायद आपको याद हो एक मेवाती बकरा बंधा हुआ था 70,000 रुपये का, जिसकी कीमत ये 65 से 70,000 मांग रहे थे, तो आखिर में वो कह रहे थे कि 5,000 कम दे देना। ये वही हिस्सा है, उस टाइम की रौनक, उस टाइम के जो टेंट लगे हुए थे वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सफाई का काम जगह जगह चल रहा है। अब जो 12 महीने के यहाँ पे टेंट लगते हैं फिलहाल वो लगे हुए हैं, जो लोग अपने टी शर्ट्स वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह बेचते हैं वो लेते हैं। मैं लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा आगे, मैं दिखाता हूँ कुछ और जगहें, कुछ मखसूस जगहें ऐसी थी कि जहाँ पे बकरों को सजाने का सामान मिल रहा था। मैं अब आपको वो जगह दिखाता हूँ कि उस टाइम इस जगह पर क्या है। अब तो भाई मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बकरों को सजाने का सामान मिल रहा था, आप उसके कुछ निशानात बाकी हैं अभी। आप लोग ये नीचे देखिए कि सजावट के लिए जो बच्चों के बकरों के गले के अंदर जो रस्सियां बांधी जा रही थी, रंग बिरंगी रस्सियां, उसके कुछ सामान या बचा हुआ सामान, कटिंग वगैरह यहाँ पड़ी हुई है। एक अजीबोगरीब माहौल था कि आप दिन में आए, रात में आए, किसी भी वक्त आए जामा मस्जिद के बकरा मंडी के अंदर, तो आपको एक रौनक मिलती थी। हलीम बिरयानी वाले बैठे हुए थे, कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब वगैरह बिक रहे थे। मैं लेके चलता हूँ आपको एक दूसरे खेमे की तरफ। अब जैसा कि आप मेरे पीछे का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ पे खेमा लगा हुआ था जिसके अंदर सारे मेवाती बच्चे लगे हुए थे। तकरीबन को उनकी जो कीमत थी 60-70 हज़ार रुपये से ऊपर के थे, और तकरीबन माशाल्लाह सारे सफ़ेद बच्चे थे, और इस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये देख रही आप लोग कितनी रौनक थी एक हफ्ते पहले, और इस टाइम कुछ भी नहीं है। और ये जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, इस जगह हलीम बिरयानी बिक रही थी, पाए की जो बिरयानी के अंदर पायों का जो गोश्त मिलाकर हलीम बिरयानी जो तैयार कर रखी थी एक भाई ने, बड़ी लजीज बिरयानी बनी हुई थी, हम लोगों ने खाई थी। इत्तेफाक से उस हमने शूट नहीं लिया था क्योंकि हम लोग सिर्फ बकरों को कवर करने आए थे, फूड की ब्लॉगिंग उस टाइम नहीं चल रही थी हम लोगों की। ये यहाँ से एक मखसूस रास्ता है जो बाहर
बाहर निकल जाता है लाल किले की तरफ, ये दोनों तरफ मैं आपको हिस्से दिखाता हूँ कि यहाँ पर पेड़ रखने की जगह नहीं थी। लाइन तारी से जो है यहाँ पे खेमे लगे हुए थे, इधर की तरफ क्या और इधर की तरफ क्या खेमे लगे हुए थे। बाकी सफाई हो चुकी है माशाल्लाह, काफ़ी हद तक 90% 80% सफाई हो चुकी है। बहुत साफ सुथरा सफाई का माहौल चल रहा है इस टाइम, कंटिन्यू प्रशासन की तरफ से सफाई चल रही है यहाँ पे। और इस जगह जो थे भाई, यहाँ पे आलू की तहरी बिक रही थी, आप लोगों को शायद याद हो, जो लोग पुराने बकरा मंडी आ रहे थे, पुराने दिल्ली के रहने वाले, तो खैर माशाल्लाह एक एक जगह उन लोगों के दिमाग में रहती है। तो भाई एक आखिरी खेमा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं, पार्क में घुसते ही इस जगह एक बड़ा खेमा लगा हुआ था, जहाँ पे 2 लाख और 2.5 लाख वाले बच्चे खड़े हुए थे, और इस टाइम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो भाई ये था आज का हमारा पूरा व्लॉग। व्लॉग बनाने का खास मकसद यही था कि बिफ़ोर और आफ्टर अक्सर ऐसा होता है वीडियो या फोटो के अंदर हम लोग आपको दिखाते ही हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो यह था कि पहले जो हमने दिखाई, 1 हफ्ते पहले तक तमाम पूरी बकरा मंडी दिखाई थी, पूरी दिल्ली की बकरा मंडी दिखाई हमने, दिल्ली से बाहर की बकरा मंडियाँ दिखाई। फिलहाल आज का जो हमारा बनाने मकसद था ये मंडी दिखाने का, सिर्फ ये था कि बकरा मंडी 1 हफ्ते पहले कैसी होती है और 1 हफ्ते के बाद उसकी क्या हालत हो जाती है। बिल्कुल सफाई का माहौल, कोई बता भी नहीं सकते कि किसका खेमा कहाँ लगा हुआ था। बिल्कुल मेरे पीछे है जामा मस्जिद, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ जामा मस्जिद मीना बाजार के बकरा मंडी के अंदर, जो एक हफ्ते पहले तक बहुत ही लाजवाब चल रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। और आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ जो मकामी लोग हैं वो अपने काम धंधे की वजह से इधर से गुजरना उन लोगों का होता है। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर तो भाई अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।